ठीक है, चालू करते हैं अपना आगे का टॉपिक। अगर कल की बात करें तो हमने ऑरिफिस को डिस्कस करा था, ऑरिफिस का डिस्चार्ज कितना होता है वो हमने डिस्कस करा था। थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ, आपका ये कुछ ऑरिफिस था और अभी मैं शार्प एस ऑरिफिस की बात कर रहा हूँ। किसका कर रहा हूँ? शार्प एस ऑरिफिस की, क्योंकि देखो जो हमारा बेल माउथेड होता है उसमें आपका लॉस होता है तो इसलिए हम उसको स्टैंडर्ड नहीं मानते हैं। ठीक है, ये आपका टैंक था, टैंक के अंदर फ्लूइड था और ये आपका यहाँ पर एक शार्प एस, ये दो, ये कुछ इस तरीके से थोड़ा सा इसको स्ट्रेट बना लेते हैं। ठीक है, ये आपका शार्प एस ऑरिफिस था और इसके अंदर अगर मैं फ्लो की बात करूं तो ये आपका जो भी फ्लूइड था, ठीक है, ये फ्लूइड है आपका और ये इस जगह कुछ ऐसा निकलता है। ठीक है, यहाँ पर ये टच नहीं होता है इसलिए इसको हम यूज करते हैं, क्योंकि अगर फ्लूइड आपका इसके हर जगह पर टच होने लग जाएगा तो फ्रिक्शन का इफेक्ट आ जाएगा या इसकी रफनेस का इफेक्ट आ जाएगा और वो अननेसेसरी डिस्चार्ज को कम कर देगा। तो हमें अगर फ्लूइड का एग्जैक्ट डिस्चार्ज चाहिए या नियरली टू एग्जैक्ट चाहिए तो हमें शार्प एस ऑरिफिस यूज करना पड़ता है। इससे फिर मैंने आपको क्या बताया था कि इसका एक सेक्शन ऐसा आता है जहां पर इसकी स्ट्रीम लाइंस क्या होती है, पैरेलल होती है। इसी सेक्शन पर जो एरिया होता है जेट का वो मिनिमम होता है और इसी सेक्शन पर प्रेशर क्या होता है आपका यूनिफॉर्म होता है और इस एरिया को हम क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ वेना कॉन्ट्रैक्टा। इसको हमने माना था सेक्शन 2-2, कोई भी पॉइंट अंदर हमने मान लिया था 1। कब ध्यान से देखना, कल मैंने आपको पूरा इसका डेरिवेशन दिखाया था, एक छोटा सा रिलेशनशिप हमने देखा था किस तरीके से। देखो सेक्शन 2 क्या है, सेक्शन 2 इज एरिया ऑफ वेना कॉन्ट्रैक्टा। क्या क्या होता है एरिया ऑफ वेना कॉन्ट्रैक्टा? सबसे पहली बात भैया, एरिया मिनिमम होता है। एरिया क्या होता है? मिनिमम। किसका एरिया मिनिमम होता है? जेट का एरिया मिनिमम होता है। जेट जो भी निकल रहा है उसका कुछ ना कुछ एरिया होगा तो इस पॉइंट पर एरिया क्या होता है आपका, मिनिमम होता है। क्यों मिनिमम होता है? क्यों मिनिमम होता है? क्योंकि स्ट्रीम लाइंस एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल होती है, बिकॉज ऑफ स्ट्रीम लाइंस पैरेलल टू ईच अदर और इसी एरिया वेना कॉन्ट्रैक्टा पे आपका प्रेशर क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है। क्यों होता है? क्योंकि स्ट्रीम लाइंस आपकी पैरेलल होती है एक दूसरे से, मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक सब कनेक्टेड है। तो यहां की अगर मैं आपसे बात करूं तो ये मेरा सेक्शन 2-2 है और इस सेक्शन 2-2 पर कल मेरी वेलोसिटी आ गई थी जो कि क्या थी आपकी, अंडर रूट ऑफ 2gh। ये मेरी वेलोसिटी आ गई थी। अब बोलोगे सर h क्या था, तो मैं आपको बता देता हूं h क्या था। ये देखो ऑरिफिस के सेंटर को हमने डेटम मान लिया, और डेटम लाइन से लेके ये जो आपका फ्री, देखो ये तो वाटर का फ्री सरफेस है, वाटर के ऊपर क्या, वाटर के ऊपर है फ्री सरफेस, तो फ्री सरफेस से लेके डेटम लाइन तक की जो हेड है उसको हमने यहां पर रिप्रेजेंट करा हुआ है, जो मतलब फाइंड करा था। ठीक है, अब अगर बात करें तो मैंने क्या बोला था कि ये आपकी एरिया ऑफ वेना कॉन्ट्रैक्टा का वेलोसिटी आ चुका है, सेक्शन 2 की वेलोसिटी आ चुकी है और इससे फिर हमने इस ऑरिफिस से डिस्चार्ज फाइंड करा था। That means, अगर मैं बोलूं तो मैंने यहां से डिस्चार्ज फाइंड करा था, वो क्या होता है एरिया इनटू वेलोसिटी। भाई हमको डिस्चार्ज कहां से फाइंड करना है, ऑरिफिस से फाइंड करना है। ऑरिफिस का एरिया हमने क्या माना था, स्मॉल a, और हमने वेलोसिटी कितनी मानी थी, अंडर रूट 2gh। भाई हमने वेलोसिटी कितनी मानी थी, अंडर रूट 2, माना ऑरिफिस से निकल रहा है बट आपका ये जो जेट है ऑरिफिस से तो निकल रहा है इसलिए हमने वेना कॉन्ट्रैक्टा की वेलोसिटी यहां पर यूज कर ली थी। ठीक है, अब मैं आपको चीज बोलता हूं कि ये जितनी भी वेलोसिटी और ये डिस्चार्ज है इसमें आपने कुछ भी लॉस कंसीडर नहीं करा। हम मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं और बिल्कुल है भी सही कि शार्प एज ऑरिफिस में फ्रिक्शन लॉस कम होता है, पर थोड़ा बहुत तो होता होगा, बिल्कुल माइनर सा होता होगा। ऐसा तो नहीं कि 100% उसमें कोई लॉस नहीं है, 100% बिल्कुल डिस्चार्ज दे रहा है वो आपका। तो दैट मीन्स अगर मैं बात करूं तो ये जो सेक्शन V2 है ये है आपका थ्योरेटिकल वेलोसिटी और अगर मैं इस डिस्चार्ज की बात करूं, डिस्चार्ज थ्रू ऑरिफिस, किसकी बात करूं, डिस्चार्ज थ्रू और ऑरिफिस, तो यहां पर भी आपने ये थ्योरेटिकल वेलोसिटी तो यूज करी है, तो दैट मींस इसको भी हम बोलते हैं थ्योरेटिकल डिस्चार्ज। मैंने QTH लिख दिया जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है थ्योरेटिकल डिस्चार्ज। QTH इज इक्वल्स टू थ्योरेटिकल डिस्चार्ज और थ्योरेटिकल डिस्चार्ज का मतलब क्या है कि भैया आपने कोई भी लॉस इसमें कंसिडर नहीं करा है। ठीक है, आपने बस सिंपल से फॉर्मूला लिया, सॉल्व कर दिया, कोई भी लॉस कंसीडर नहीं करा, तो वहां से आपकी क्या आ गई, थ्योरेटिकल डिस्चार्ज। अब बात करते हैं आगे की। माना कि डिस्चार्ज शार्प एज ऑरिफिस में ठीक आएगा, अच्छी वैल्यू देगा। क्यों देगा? क्योंकि इसमें फ्रिक्शन कम है, जीरो तो नहीं है, माना फ्रिक्शन बहुत लेस है,
जीरो तो नहीं है। और एक और चीज मैं आपको बताता हूं, अगर एक चीज हम ध्यान से देखें, ध्यान से देखना, ये आपका फ्लो देखो इस जगह, आपको लगता है जेट जो आपको थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है भाई, जेट जो हो रहा है अगर आप ध्यान से देखोगे तो जैसे ही ओरिफिस पे आ रहा है थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, और कॉन्ट्रैक्ट आने से क्या होती है भाई, वेलोसिटी चेंज होती है आपकी, ऐसा तो नहीं कि यहां से सेम फ्लो ऐसा कर रहा था, यहां पर जो भी फ्लो था वो यहां आकर आपका चेंज हुआ है, तो हर जगह चाहे वेलोसिटी हो चाहे डिस्चार्ज हो, हर जगह कुछ ना कुछ वैल्यू तो आपकी चेंज हुई है। तो अब हम क्या करेंगे, अब ध्यान से देखना, अब मैं आपके सामने कुछ ऐसे कोफिशिएंट्स लेके आऊंगा जो इसका फ्रिक्शन लॉस हुआ है या जो भी इसके अंदर लॉसेस हैं वो आपको एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कि सबसे पहले वालों कोफिशिएंट्स, कोफिशिएंट्स, अब कौन सा कोफिशिएंट है, सबसे पहला कोफिशिएंट है मेरा कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, फर्स्ट है मेरा कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सीवी से। कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सीवी से। और इस कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है क्या होता है, एक्चुअल एक्चुअल वेलोसिटी अपॉन थियोरिटिकल वेलोसिटी, एक्चुअल वेलोसिटी अपॉन थियोरिटिकल वेलोसिटी। अगर मैं आपसे पूछूं, मान लो एक्चुअल वेलोसिटी को हमने v मान लिया, एक्चुअल वेलोसिटी को हमने क्या मान लिया, v, एक्चुअल वेलोसिटी को हमने क्या मान लिया, v, और थियोरिटिकल वेलोसिटी, या सिंपल सी बात है भाई, अगर आपका फ्रिक्शन है या कुछ भी है तो वो वेलोसिटी पर भी चेंज लाएगा, वो आपके डिस्चार्ज पर भी चेंज लाएगा। अभी तक हमने जो भी पढ़ा था उसमें हमने कोई भी कंसीडर नहीं करा, ना फ्रिक्शन लॉस करा, ना उस जेट की वेलोसिटी में डिक्रीज होगा वो हमने कंसीडर नहीं करा। तो अब हम ये मानते हैं कि अब जो एक्चुअल, अब मैं क्या है, फ्रिक्शन लॉस कंसीडर कर रहा हूं, तो देखो या फिर जितने भी दूसरे फैक्टर्स हैं उन सबको मैं कंसीडर कर रहा हूं, तो कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी मैंने आपसे कहा था सी से रिप्रेजेंट करते हैं, व्हिच इज इक्वल्स टू एक्चुअल वेलोसिटी अपॉन थ्योरेटिकल वेलोसिटी। थ्योरेटिकल वेलोसिटी कितनी होगी, vth। और अगर मैं आपसे पूछूं कि थ्योरेटिकल वेलोसिटी आपने अभी क्या पढ़ी थी थोड़ी देर पहले, तो आप बोलोगे हमने पढ़ी थी सर cv इज इक्वल्स टू v अपॉन अंडर रूट ऑफ 2gh। मैंने आपसे क्या बोला, फ्रिक्शन है तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी, बिल्कुल चेंज आएगा, ठीक है। तो यहां से अगर मुझे फ्लो की, ये जेट जो बाहर निकल रहा है, अगर यहां पर मुझे डिस्चार्ज फाइंड करने के लिए, मान लो डिस्चार्ज क्या होता है, एरिया इनटू वेलोसिटी, डिस्चार्ज क्या होता है, एरिया इनटू वेलोसिटी। अभी पिछले वाले केस में जो मैंने वेलोसिटी रखी है वो है आपकी थ्योरेटिकल वेलोसिटी, अब अगर डिस्चार्ज मुझको फाइंड करना है तो मैं रखूंगा एक्चुअल वेलोसिटी, और यहां से आपकी एक्चुअल वेलोसिटी क्या निकल कर आ रही है, cv अंडर रूट ऑफ 2gh। दैट मींस अगर अब आपको डिस्चार्ज फाइंड करना है तो आप इस एक्चुअल वेलोसिटी को यूज कर सकते हो, इसमें सब कुछ कंसीडर है। और अगर मैं बात करूं कि कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, अब ध्यान से देखना ये सारा ऑब्जेक्टिवली इंपॉर्टेंट है, अगर मैं आपसे बोलूं कि ऑरिफिस मीटर के लिए कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी कितना होता है, बहुत ध्यान से रखना, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी फॉर ऑरिफिस, नोट डाल कर लिख रहा हूं मैं, फॉर ऑरिफिस, हर एक का अलग अलग होता है, सबका सेम नहीं होता है, फॉर ऑरिफिस कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी कितना होता है, 0.96 से लेके 0.98, ध्यान रखना इन सारी चीजों को ऑरिफिस मीटर के लिए। अब देखो हमने जो थ्योरेटिकल वेलोसिटी यूज करी थी वो कितनी थी, अंडर रूट ऑफ, देखो थ्योरेटिकल वेलोसिटी हमने जो यूज करी थी वो कितनी है, अंडर रूट ऑफ 2gh। बट अगर मुझे इस फ्रिक्शन के कारण अगर यहां से फ्लूइड निकला है तो वेलोसिटी में क्या चेंज आया, अगर वो आपको एक्चुअल चेंज देखना है तो एक्चुअल वेलोसिटी क्या हो जाएगी इस जेट की, cv अंडर रूट ऑफ 2gh। अगर मैंने क्या बोला आपको ऑरिफिस के लिए cv, ये आपको पूरा प्रैक्टिकली परफॉर्म करा जाता है, ठीक है, उससे फाइंड होता है, ठीक है। अगर cv की हम बात करें तो cv मान लो 0.96 से 0.98, मान लो मैंने 0.96 ले लिया तो अंडर रूट ऑफ 2gh, तो ध्यान से देखो आपकी एक्चुअल वेलोसिटी क्या होगी, जो आपकी थ्योरेटिकल वेलोसिटी थी इसके आगे 1 है ना, और यहां पर कितना 0.96, तो ऑब्वियस आपको देख रहा है कि एक्चुअल इस थ्योरेटिकल से कम है। अब कम क्यों है भैया, सारे फैक्टर्स रोल में आ गए, फ्रिक्शन की हल्का बुल्का इफेक्ट में आया जिसने इसकी वेलोसिटी को हल्का सा क्या कर दिया, कम कर दिया। जैसे फ्रिक्शन रोल में आता है विस्कोसिटी रोल में आ जाती है, ठीक है। तो आप इसको लिखो यहां पर, ठीक है। तो अभी तो अगर हम बात करें तो अभी तो आपके पास एक ही कोफिशिएंट आया है भाई, सिंपल सी बात है, ध्यान से देखना, फ्लो जा रहा है जेट का, यहां गया फ्रिक्शन इफेक्ट करा, थोड़ी सी वेलोसिटी घट गई, थोड़ी सी वेलोसिटी घट गई, तो भैया कितनी घट गई,
0.96 से 0.98 घट गई, किसी बुक में 0.97 से 0.98 लिखा हुआ, ये 0.96 से 0.98 की वैल्यू में कंफ्यूजन मत होना, किसी में 0.9 इवन ये किसी बुक में 0.91 से 0.98 लिखी हुई है, कितनी लिखी हुई 0.91 से 98, बट हां कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप ओनली इन दोनों वैल्यूज को याद करो 0.96 से 0.98, ये कोफिशिएंट्स आपको अलग-अलग बुक में अलग-अलग मिलते हैं, तो कुछ कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब अगर बात करते हैं तो मेरा जो पहला कोफिशिएंट है, मेरा पहला कोफिशिएंट आ चुका है कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, और मैं तेरे को इधर लिखता रहता हूं क्योंकि ये मेरे बाद में भी काम आया था अभी थर्ड डेरिवेशन में, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी मेरा कितना आया है, वो ये कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी मेरा आया है cv = एक्चुअल वेलोसिटी अंडर रूट ऑफ थ्योरेटिकल वेलोसिटी, ठीक है भाई, लिख दिया मैंने साइड में। अब सेकंड सिंपल सी बात है कि आपको नहीं लगता कि वेना कॉन्ट्रैक्टर तक जाते जाते आपका जो जेट है थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है थोड़ा छोटा जाता है, देखो यहाँ पर बड़ा था छोटा हुआ छोटा हुआ छोटा हुआ छोटा हुआ छोटा हुआ, तो हमें ये जो एरिया, क्योंकि देखो जैसे ही एरिया पर रिड्यूस होता है डिस्चार्ज पर फर्क पड़ेगा भाई, सिंपल सी बात है, अगर एरिया जेट का कम होगा, आपने डिस्चार्ज जो फाइंड करा था, आप एक चीज ध्यान से सुनना, अगर मैं इसके पहले डिस्चार्ज की बात करूं कितना हुआ था, अरे यार पेन कितना हुआ था डिस्चार्ज आपका, एरिया मल्टीप्लाई बाय ध्यान से सुनना अंडर रूट ऑफ 2gh, और ये क्या बना था आपका थ्योरेटिकल डिस्चार्ज। मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, हमने वेलोसिटी किसके लिए थी सर, वेना कॉन्ट्रैक्टर के लिए थी, हमने एरिया किसके लिया था सर, ऑरिफिस का लिया था, तो क्या जेट का एरिया कम नहीं हुआ सर, बिल्कुल हुआ है, अगर कम हुआ है जेट का एरिया कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो ऑब्वियसली हम कॉन्ट्रैक्शन को उसमें लेंगे अपने कंसीडरेशन में, तो मेरा सेकंड जो कोफिशिएंट आएगा वो आएगा आपका सेकंड कोफिशिएंट है मेरा कोफिशिएंट कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, और कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन किससे रिप्रेजेंट होता है सीसी से, और ये क्या बोलता है कुछ नहीं बोलता है, देखो मैं क्यों बता रहा हूं आपको, जो डिस्चार्ज अभी तक हमने लिया उसमें हमने एरिया ऑफ ऑरिफिस लिया है, यार एरिया ऑफ ऑरिफिस को आप वेलोसिटी ऑफ वेना कॉन्ट्रैक्टर से कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हो, जो हमने वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करा था वो वेना कॉन्ट्रैक्टर की थी, अगर हमें डिस्चार्ज फाइंड करना ना तो मुझे इसका कंसीडरेशन देना पड़ेगा भैया एरिया ऑफ वेना कॉन्ट्रैक्टर कितना, ठीक है हम ले लेते हैं, बट अब कोफिशिएंट अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इक्वल्स टू एरिया ऑफ जेट एट वेना कॉन्ट्रैक्टर, कॉफी ये सारे जितने भी कोफिशिएंट्स हैं सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लिए आएंगे आपसे, ये बताओ एक एक कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी क्या है, इनकी वैल्यूज क्या है, पूरे टॉपिक को मैं ऊपर स्टार रेटिंग देने वाला हूं, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन रिप्रेजेंटेड बाय सीसी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ जेट एट वेना कॉन्ट्रैक्टर अपॉन एरिया ऑफ जेट एट ऑरिफिस। मैंने क्या बोला आपसे, मान लो हमने एरिया ऑफ जेट एट वेना कॉन्ट्रैक्टर कितना माना था एसी, और हमने आपका क्या माना था एरिया ऑफ ऑरिफिस कितना माना था स्मॉल ए, तो अब आपका एग्जैक्ट डिस्चार्ज फाइंड करना, तो एरिया ऑफ वेना कॉन्ट्रैक्टर लो व्हिच इज इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई बाय सीसी। अब आप एक चीज ध्यान से देखो, देखो एसी क्या है एरिया ऑफ वेना कॉन्ट्रैक्टर, और ए क्या है एरिया ऑफ ऑरिफिस, और सीसी क्या है कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। अब ध्यान से देखना, बहुत ज्यादा ध्यान से देखना, ऑरिफिस के लिए जो कोफिशिएंट, ये आप बोलोगे सर कोफिशिएंट कहां से निकल के आता है, ये प्रैक्टिकली परफॉर्म करने से निकल कर आते हैं, ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो, और ऑरिफिस के लिए सब प्रैक्टिकल्स करके देखे जा चुके हैं, ठीक है, उन्होंने क्या करा पहले थ्योरेटिकल जो हम डिस्चार्ज फाइंड करते हैं थ्योरेटिकल, फिर प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखा, तो ऑन एन एवरेज उनको सेम वैल्यू मिली हर एक फ्लूइड के लिए, उन्होंने बोला कि इसकी सेम वैल्यू पुट कर दो, दैट मींस एक स्टैंडर्ड वैल्यू इनकी रख दो, तो कोफिशिएंट ऑफ, जब इन्होंने प्रैक्टिकली इसको परफॉर्म करा तो कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन की वैल्यू कितनी मिली इनको बार बार 0.64 से लेके 0.65। पिछले वाले केस में भी जितने केस हैं ये सब स्टार रैंकिंग वाले टॉपिक हैं, मैं पूरे टॉपिक को ऊपर 5 स्टार रैंकिंग देता हूं, जितने भी कोफिशिएंट हैं जेई के एग्जाम में ए के एग्जाम में और अच्छे से डीप में जाके ईएस के एग्जाम में ये सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, स्पेशली ये टॉपिक जो फेवरेबल है वो है फॉर जेई, जेई के लिए फेवरेबल है, इसको ध्यान रखना स्पेशली, ठीक है, तो 0.64 से लेके 0.65 ये सारी वैल्यूज आपको याद रखनी है, सारी वैल्यूज, पूरा टॉपिक स्टार रैंकिंग है इसलिए मैं शायद पिछले वाले में रैंक नहीं दे पाया था, तो नॉर्मली अब ध्यान से देखना जो सेकंड कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन आया मेरे पास कितना है, सेकंड कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो मेरे पास आया हुआ है सीसी एरिया ऑफ जेट एट वेना कॉन्ट्रैक्टर अपॉन एरिया ऑफ ऑरिफिस। अब आप ध्यान से देखना
थर्ड, अब देखो भाई फ्लूइड का जो जेट है, जो जेट है वो उसका एरिया कॉन्ट्रैक्ट हो गया, जो उसकी वेलोसिटी है वो अफेक्ट हो गई। तो अगर मैं आपसे पूछूं डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलोगे सर एरिया इनटू वेलोसिटी होता है। मैं बोलूंगा यार जब एरिया अफेक्ट हो चुका है, जब वेलोसिटी अफेक्ट हो चुकी है, तो जो आपने थ्योरेटिकल डिस्चार्ज फाइंड करा था वो सही कैसे आ जाएगा? बोलोगे सर बात तो बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो एक काम करते हैं, जो वेलोसिटी में और जो एरिया में चेंज आया आप उसको डिस्चार्ज में कंसिडर करते हैं। तो मेरा अगला कोएफिशिएंट जो होगा उसको हम बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। मेरा अगला कोएफिशिएंट इसका नाम है कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज रिप्रेजेंटेड बाय सीडी, रिप्रेजेंटेड बाय सीडी। इसको आप लिखो मिटा रहा हूं